हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई आज हमारे सामने जो गाड़ी होने वाली है रहेगी हमारी MG की ZA CV। इससे पहले मैंने इसका रेंज टेस्ट, डिटेल रिव्यू मैंने सब कवर करा है, बट इसमें क्या है ना कि अभी MG को 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 1924 में एज यू नो जैसे एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, बट इंडिया के अंदर अभी 6-7 साल पहले ही आई है। तो 100 ईयर्स की स्पेशल एडिशन है, सिर्फ ZA CV के अंदर नहीं, आपको एसर के अंदर, एम हेक्टर प्लस के अंदर, MG कॉमेट के अंदर, सब उसके अंदर ये स्पेशल एडिशन आपको दिया गया। स्पेशल एडिशन क्या है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको ना ब्रिटिश ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है, जो इसका कलर है। बाकी इसके ऊपर ना ये जो ग्राफिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये एसेसरी, ये आपका ग्राफिक हो गया, 3D ग्राफिक हो गया, ये एसेसरी हो गई। इसमें आपकी साइड की बेडिंग्स हो गई हैं, जैसे ये एसेसरी का पार्ट है, यहाँ पे साइड की बेडिंग्स हो गई हैं, तो ये सब आप अपने डीलरशिप पे लगवा सकते हैं। एंड ये आप आफ्टर मार्केट एसेसरी अभी आपको अगर मिलेंगी ऐसे करोल बाग टाइप जगह पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ ये आपको अपने MG के ही शोरूम के अंदर डीलरशिप पे, जहाँ पे डीलरशिप है वहाँ पे आपको ये ऑफर की जाएंगी, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाती है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, जल्दी इसको रैप अप करेंगे वीडियो को। यहाँ पे आपको बड़े से ही DRLs देखने को मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प्स, और यहाँ पे आपको छोटे से ना DRLs भी देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं चलते हुए। यहाँ पे फ्रंट में आपको पूरी की पूरी जो ग्रिल है वो कवर्ड देखने को मिलती है। यहाँ से आपका भाई बैटरी चार्ज होती है, प्रॉपर MG का लोगो हो गया। एंड आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पे ना एक छोटा सा 3D पैटर्न टाइप आपको ग्राफिक देखने को मिल जाता है, और उसके ऊपर आपको ये आफ्टर मार्केट एसेसरी का पार्ट। बाकी यहाँ पे आपको एरोटिन में वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी वाइपिंग क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी। एंड अब चलते हैं हम साइड प्रोफाइल के ऊपर। तो देखो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको ब्लैक पैनल फिनिश में ना और भी मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर, एंड इसके नीचे आपको कैमरा ऑफर किया गया। साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग हुई है, एंड ये सारे आपके जो है 3D ग्राफिक में आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको एक स्पेशल एडिशन, इस गाड़ी को अलग प्रीमियमनेस फील देता है। ये आपकी साइड की बिल्डिंग्स हो गई, इसमें भी आपको ग्रीन कलर का टेक्सचर देखने को मिल जाता है। एंड हम अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए, तो आपको इसमें मैक्स फ्रेशन का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। पर्सनली मैंने एक वीडियो डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, जो कि मैंने इसकी 175 स्पीड टच करी है, शायद 180 भी टच हो गई थी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, 25 लाख के अंदर इस जैसा रॉकेट, अगर आपने जिसने भी जिसके पास MG ZA CV है, तो वो भाई मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहा होगा। रॉकेट गाड़ी है, जैसी आप अगर आप 80-100 की स्पीड में भी आप एक्सेलरेशन देंगे ना, तो टायर इतनी स्पिन करता है कि स्किड मार जाता है, मतलब मोटर के अंदर इतनी पावर है। बाकी टायर प्रोफाइल की बात की जाए, तो इसमें आपको 215x55 R17 17 जिसके अलॉय व्हील मिल जाते हैं, ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3D पैटर्न में ना मिरर की लुक दी गई है। यहाँ पे आपको साइड में बेल्ट लाइन जो मिल जाएगी, क्रोम गार्निश मिल जाएगी, ए पिलर बी पिलर पूरा का पूरा ब्लैक आउट रहने वाले हैं। एंड लास्ट में आपका हो गया ये क्वार्टर ग्लास। बाकी अब रियर प्रोफाइल की बात की जाए, तो आपको सेम एज जैसे EV की बैजिंग देखने को मिलती है, और EV की जो लुक आती है हमारी ZA CV की, वैसे ही देखने को मिल जाती है। बस जो आपको कलर रहने वाला है वो हमारा रहेगा ब्रिटिश ग्रीन कलर। एंड यहाँ पे एक एम्बलम देखने को मिल जाएगा MG 100 ईयर्स एडिशन का। अब इसकी अगर मैं बात करूँ, देखो इसका मुझे जो बूट अनलॉक करने का तरीका काफी अच्छा लगता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको रियर का वाइपर, डिफॉगर, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, एंड चार्फिन एंटीना, ब्लैक पियानो फिनिश में, एंड रियर के आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब इसको मैं अगर अनलॉक करूँ ना, तो MG का ही मुझे ऐसे अंदर की तरफ पुश करके जो लोगो है, इससे आपका ट्रंक होता है अनलॉक। एंड यहाँ देख सकते हैं आपको अच्छा खासा बूट स्पेस, 400+ लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया। पार्सल ट्रे हो गई है इसके अंदर। बाकी इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट भी ऑफर की जाती है, तीनों के तीनों हेडरेस्ट जो है हाइट एडजस्टमेंट वाले देखने को मिल जाते हैं। ये ग्रैब हैंडल हो गया, इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं गाड़ी को। बाकी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस स्पेशल एडिशन में हमें और क्या चीज़ें अंदर से देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग के अंदर। बाकी भाई जिन लोगों का भी ये मानना है कि MG में थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की कमी है, जो भी लोग ऐसे सोचते हैं भाई, बिल्कुल नहीं है। डोर एक बार आप पकड़ के अनलॉक करोगे ना, आपको फील हो जाएगा कि भाई डोर के साथ साथ और भी गाड़ी का, जहाँ से आप बोनेट वगैरह देखोगे तो बिल्ड क्वालिटी फील होती है, ऐसी बात नहीं है। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 100 ईयर्स का एडिशन बैजिंग देखने को मिल जाती है इस गाड़ी की। एंड अंदर से कुछ इतना इंटीरियर चेंज नहीं किया गया, एज सेम एज जैसे आपको ZA CV देखने को मिलती है। स्टीयरिंग कॉलम की बात की जाए, टिल्ट ही एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है विद हाई माउंटेड स्टीयरिंग कंट्रोल्स। इसके अंदर आपको एक क्लस्टर देखने को मिल जाता है, क्लस्टर के अंदर आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कितनी चार्ज है गाड़ी, कितना आपका माइलेज देखने को मिला है, कितनी पावर लग रही है, कितनी एक्सेलरेशन लग रही है, और पूरा का पूरा आपको जो क्लस्टर देखने को मिल जाएगा डिजिटली देखने को मिल जाएगा। आपका जो फ्रंट डैशबोर्ड है आपको लेदर देखने को मिल जाएगा सॉफ्ट टच के साथ। यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाती हैं,
वन टच डाउन सारे ही डोर्स के अंदर, एंड यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच के साथ आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है। जो इसका भाई ये है ना, इस इवेंट ये मुझे थोड़ा न्यूज जैसा सिमिलर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपके लेफ्ट एंड राइट की आपका ORVM की एडजस्टमेंट, हेडलैम्प लेवलर हो गया एंड ऑटो डिम IRVM हो जाता है, सनशेड मिरर टिकट होल्डर वैनिटी मिरर के साथ, सेम एज वेल आपका को पैसेंजर साइड सीट, रूफ लैम्प आपको पूरे के पूरे LED सेटअप में देखने को मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल की बात की जाए तो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, इंटीग्रेटेड टू इन ऑडियो, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे आपको मोड मिल जाता है, कर्स मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, जिसकी वजह से ना इसमें लेवल्स आपको 3 मिल जाते हैं, जिसमें कि आपकी ब्रेकिंग उस हिसाब से लगती है कि जिससे आपकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी बनी रहे और आपकी रेंज एक्स्ट्रा हो जाए। हाईलाइट रेंज बढ़ाने के लिए आपको ये कर्स एक फीचर दिया गया। बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रेंज है, कितने परसेंट हमारी बैटरी रिमेनिंग रह गई है। यहाँ पे आपका ये सेंटर कंसोल, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइविंग मोड और पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिकली पावर ब्रेक मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अलग से इसका स्विच भी देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। बाकी ऑटो ऑफ का फीचर मिल गया। बीच में आप आपको कर्टेन मिल जाते हैं विद टू कप होल्डर, रेड कलर से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिचिंग हो रखी है गाड़ी की। बाहर से तो वैसे बेशक ग्रीन एडिशन दे दिया हो, लेकिन रेड अंदर से ना इंटीरियर आपको रेड स्टिचिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे डीप सेंटर कंसोल के साथ आप जो आपको आमरेस मिलता है, डीप स्टोरेज के साथ मिल जाता है। ये आपके हो गए भाई ग्लोव बॉक्स डीप स्टोरेज के साथ। वेंटिलेटेड सीट के इसमें आपको ऑप्शन इस मॉडल के अंदर देखने को नहीं मिलता। बाकी आपको पैनोरामिक सनरूफ जरूर देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। एंड जो सीट की कुशनिंग है ना, सीट का कंफर्ट काफी अच्छा है गाड़ी का, आप इसमें लॉन्ग ट्रिप इजीली कवर कर सकते हो। देखो इस गाड़ी के ऊपर मैंने रेंज टेस्ट भी करी है, डीप डिटेल रिव्यू भी करा है, बट ये स्पेशल एडिशन है इसलिए इसमें क्या अलग है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है और कुछ एसेसरी के पार्ट लगे हुए हैं इस गाड़ी के अंदर, बाकी सेम टू सेम सब चीजें अंदर से आपको सेम देखने को मिलने वाली है। और लिटरली मैं सच बता रहा हूँ भाई, इस गाड़ी ने गाड़ी को ना जिसने चला लिया ना, रॉकेट, सही में मैं बता रहा हूँ, जो जो है भाई वो जरूर फील करते कर पा रहे होंगे मेरी बात को, लेकिन जिसने नहीं चलाया ना एक बार भाई मेरे कहने से एक बार इसका ड्राइव एक्सपीरियंस लेके आ जाओ। अगर आपको नहीं समझ आई गाड़ी तो भाई नाम बदल देना मेरा। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें मोड्स मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर इको, इको में थोड़ा ज्यादा रेंज देखने को मिल जाती है, स्पोर्ट्स में पूरी ही कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज की आपको इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा देखने को मिल जाती है। बाकी बात की जाए इसके डायमेंशंस की तो देखो अच्छा खासा व्हील बेस देखने को मिल जाता है, रियर सीट में आपको अच्छा खासा लेग रूम, हेड स्पेस देखने को मिल जाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा फील नहीं होगा। एज यू नो कि डार्क थीम है तो क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा नहीं फील होगा, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर क्वार्टर ग्लास मिल जाता है, तो उसमें ना आपको अंदर एक स्पेशियस फील होगा जिसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा कुछ फील नहीं होगा। तो देखो यही थी हमारी आज शॉर्ट वीडियो MG ZS EV के ऊपर। काफी अच्छी गाड़ी है, आई नो थोड़ा सा प्राइस हाइक है, बट यार देखो हाई के प्राइस हो अगर एक बार चला लेना तो पैसे वसूल गाड़ी भी है। काफी अच्छा खासा इसमें आपको रेंज मिल जाती है, 350 तक की रेंज मिल जाती है, और अगर इकोनॉमिक तरीके से और चलाओ तो मैं मानता हूँ कि 450 भी ये दे देगी गाड़ी, ठीक है। एंड इस गाड़ी के अंदर क्या स्पेशल था, स्पेशल ये था कि ब्रिटिश ग्रीन कलर हमें इसके अंदर स्पेशल एडिशन देखने को मिल जाता है। आफ्टर 100 ईयर्स ये गाड़ी का एक स्पेशल एडिशन निकाला गया है, 1924 में जैसे गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसमें एक स्पेशल एडिशन आपको दे दिया गया है। एंड उसके साथ साथ आपको ग्राफिक्स भी दे दिए गए हैं और कुछ एसेसरी के साथ, जो कि गाड़ी की जो एक रोड प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा एनहेंस करी गई है इन ग्राफिक्स को देने के बाद और जो इसका एडिशन है निकालने के बाद। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एडिशन कैसा लगा। बाकी यार यही था आज का हमारा छोटा सा रिव्यू, अच्छी गाड़ी लग रही है, काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस है ZS EV। पर्सनली देखो सब लोग कहते हैं ओवर प्राइस नहीं है, एक बार चला के देखो पता पड़ जाएगी कितनी ओवर प्राइस है। एंड इससे अलग आप देख सकते हैं वहाँ पर इसके बहुत सारे स्पेशल एडिशंस ना बहुत सारी गाड़ियों में निकले हैं, जैसे ZS EV में निकला है, एस्टर के अंदर निकला है, MG हेक्टर प्लस के अंदर निकला है, कॉमेट के अंदर निकला है, तो वो भी मैं डिटेल वॉक अराउंड कवर करूंगा अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस एडिशन को लेकर और इन ग्राफिक्स का जो डिजाइन दिया गया उनको लेके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।